हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड पोस्ट पर। उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर सबसे पहले उत्तराखंड पोस्ट पर, साथ ही उत्तराखंड से जुड़े रोचक वीडियो देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। चारधाम यात्रा से पहले बाहरी लोगों के सत्यापन को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद उत्तराखंड में ऐसे लोगों के खिलाफ अभियान शुरू हो गया है। इस दौरान पिछले 10 दिन के दौरान प्रदेश में आकर बसे लोगों का वेरिफिकेशन करना पुलिस ने शुरू कर दिया है। वेरिफिकेशन के दौरान चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। आपको बता दें कि पुलिस के इस अभियान में अब तक 2300 से ज्यादा लोग संदिग्ध मिले हैं। अब पुलिस इन लोगों पर अलग अलग धाराओं में मामले दर्ज कर कार्रवाई कर रही है। जानकारी के अनुसार राज्य में फिलहाल वेरिफिकेशन अभियान को 3 दिन और सघनता के साथ चलाया जाएगा। इस दौरान 55,000 से ज्यादा लोगों का वेरिफिकेशन किया जा चुका है। 2300 संदिग्ध लोगों के मिलने के साथ ही पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। अब पुलिस का मानना है कि आने वाले 3 दिनों में और बड़ी संख्या में संदिग्ध लोगों के मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही राज्य में कानून व्यवस्था को और सही करने में बड़ी मदद मिलेगी। पुलिस के अनुसार वेरिफिकेशन के दौरान लोगों के पास केवल कागज ही होना जरूरी नहीं है, उनकी संदिग्ध हरकतें और बॉडी लैंग्वेज भी उन्हें शक के दायरे में लाती है। इसी के चलते कागज होने के बाद भी कई लोगों के बारे में जब गहनता से पता किया गया तो कई बातें संदिग्ध मिली। उत्तराखंड से जुड़ी ऐसे ही रोचक वीडियो और खबरें सबसे पहले पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।